आज हम बात कर रहे हैं जीवन संबंध या वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। किसी देश की जनसंख्या का आकार, संरचना व जनवृद्धि की प्रवृत्तियां तीन प्रमुख जनांकिकीय विधियों के आधार पर की जाती है। प्रथम है जनगणना। जनगणना रीति द्वारा एक निश्चित तिथि पर एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण गणना की जाती है तथा जनसंख्या की मौलिक विशेषताओं का विवरण भी प्राप्त किया जाता है। लगभग सभी देशों में प्रत्येक दशक यानी 10 सालों में डिकेड में एक बार जनगणना करने की प्रथा प्रचलित है। द्वितीय है जीवन संबंध का पंजीयन। जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जन्म, मरण, रोग, विवाह, तलाक आदि के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का माप करने के लिए प्रत्येक देश में स्थायी आधार पर जीवन संबंधों के पंजीयन की व्यवस्था होती है। जनगणना द्वारा उपलब्ध संबंध और जीवन संबंधों में काफी अंतर है। इन अंतर को हम तीन या चार दृष्टिकोण से देख रहे हैं। प्रथम है जनगणना द्वारा उपलब्ध संबंध एक किसी निश्चित तिथि या समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसी देश की जनसंख्या का स्टिल फोटोग्राफ स्थिर चित्र प्रस्तुत करते हैं, जबकि जीवन संबंध जनसंख्या में एक निश्चित होने अवधि में होने वाले परिवर्तनों के चलचित्र यानी मोशन पिक्चर को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे, जनगणना व्यक्तियों का अभिलेखांकन रिकॉर्ड ऑफ पर्सन है, जबकि जीवन संबंध जीवन संबंधी घटनाओं का विवरण यानी इवेंट्स का रिकॉर्ड है। तीसरा, जनगणना द्वारा ह्यूमन इन्वेंट्री जन स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। इसके विपरीत जीवन संबंधों में उर्वरता, मृत्यु एवं पुनरुत्पादन के विश्लेषण द्वारा जनसंख्या की वृद्धि का माप किया जाता है। चौथा, जनगणना प्रत्येक देश में 10 साल में एक बार की जाती है, परंतु जीवन अंकों का पंजीयन लगातार स्थायी आधार पर किया जाता है। पांचवा, जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सूचना देना अनिवार्य होता है, परंतु कई देशों में जीवन अंक का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है। जनगणना तथा जीवन अंक पंजीयन के अतिरिक्त आजकल अनेक देशों में जनगणना वर्षों के बीच की अवधि के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में उपयोगी जननांकिकीय सूचना उपलब्ध करने के लिए समय समय पर तदर्थ जननांकिकीय सर्वेक्षण अडॉक डेमोग्राफिक सर्वेज भी किए जाते हैं। अब हम जीवन संबंध का अर्थ और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जीवन संबंध का क्या अभिप्राय है। जीवन संबंध विवाह, जन्म, बीमारी और मृत्यु के मुख्य लेखे होते हैं, जिनके द्वारा जन समुदाय के स्वास्थ्य और विकास का अध्ययन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके बारे में व्यापक परिभाषा दी है, जिसमें अनेक जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जीवन, मरण, भ्रूण मृत्यु, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वैधीकरण, मान्यता, अभिशून्यन तथा न्यायिक पृथक्करण यानी तलाक इत्यादि के सांख्यिकी विवरण का समावेश किया गया है। इस प्रकार अगर हम प्रिसाइस वे में बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश
और तथा प्रस्थान से संबंधित समस्त घटनाएं यानी जन्म व मरण के संबंधों का समावेश ही जीवन संबंक कहलाता है। जीवन संबंक के अनेक उपयोग हैं। फर्स्ट है जननांकीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। जीवन संबंक के आधार पर जनगणना के बीच के वर्षों के लिए और भावी वर्षों के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है और इसके आधार पर जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण व स्वस्थता आदि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि का माप यानी मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीवन संबंकों से अनेक जीवन दरों का संगणन किया जाता है जिससे जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का यथोचित माप हो जाता है और उर्वरता, प्रजनन, मरण आदि से संबद्ध दरों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान जनसंख्या की किस गति से प्रतिस्थापना यानी रिप्लेसमेंट हो रहा है। वैधानिक महत्व या लीगल वैल्यू, जन्म, मरण, विवाह व तलाक आदि के रिकॉर्ड्स व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगिता रखते हैं। रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के आधार पर इन घटनाओं के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए जाते हैं जो वैधानिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। उदाहरणार्थ जन्म के प्रमाण पत्र से, बर्थ सर्टिफिकेट से, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्ले, बर्थ के साथ साथ बर्थ प्लेस, वैधता, राष्ट्रीयता आदि का आदि की सूचना मिलती है और उन्हीं के आधार पर राजकीय सेवा, बीमा, वोटिंग पावर, अडल्सननेस आदि का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन, प्लानिंग ऑफ पर्सनल हेल्थ सर्विसेज। जीवन संबंकों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ही परिवार नियोजन, शिशु कल्याण, मैटरनिटी होम्स, जनरल हॉस्पिटल्स आदि की व्यवस्था की जाती है। चिकित्सा विज्ञान व शोध कार्य एवं रोग निवारण कार्यक्रम, प्लानिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज। मृत्यु कारण संबंकों से ये पता चलता है कि देश के किन किन क्षेत्रों से रोग या महामारियों से अधिक मृत्यु होती है। जैसे अभी हम सभी जानते हैं कि COVID-19 के पीरियड के अंदर बराबर ये आंकड़े आ रहे हैं कि किस राज्य में मृत्यु दर ज़्यादा है, किस में कम है, कहाँ पर किन स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना है। ये तभी संभव है जबकि हमारे पास में इस तरह के आंकड़े हो। अतः इस सूचना से रोग के नियंत्रण व उन्मूलन की सघन योजना कार्यान्वित की जा सकती है। समाज सुधार का आधार, बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। विवाह, तलाक, अभिशून्यन, वैधीकरण व न्यायिक पृथक्करण आदि के संबंधों से समाज की वर्तमान स्थिति, रीति रिवाज, बुराइयां आदि सबका पता चलता है और जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, सामाजिक कुरीतियों के सुधार आदि की क्रियाएं की जाती है। प्रशासन में सहयोग, देश के प्रशासन तंत्र द्वारा जीवन संबंकों का आर्थिक नियोजन, शिक्षा प्रसार, गृह निर्माण कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों की राशनिंग, मतदाता सूची के निर्माण, सेना में भर्ती आदि के लिए भी जीवन मरण के आंकड़े अत्यंत उपयोगी है। अतः जीवन संबंकों का किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्व है। भारत में जीवन संबंक पंजीयन। भारत में जन्म और मरण के संबंकों के पंजीयन की व्यवस्था लगभग 100 साल पुरानी है। देश में जीवन संबंक अभी तक जन्म, मृत्यु एवं पंजीयन, विवाह पंजीयन अधिनियम 1886 के अंतर्गत संकलित एवं पंजीकृत किए जाते थे। इस अधिनियम की मुख्य बात यह थी कि इसके अनुसार जीवन अंक संबंधी सूचना प्रदान करना ऐच्छिक था, अनिवार्य नहीं। इस संबंध में कई राज्यों के अलग अलग अधिनियम भी थे
अतः इसमें कई प्रकार के दोष और असंतोषजनक स्थिति थी। ग्रामीण इलाकों में जीवन संबंध गांव के मुखिया, चौकीदार या लेखापाल एकत्रित करते थे। यह कर्मचारी एक सप्ताह या एक पखवाड़े यानी 15 दिन में एक बार तहसील कार्यालय जाकर जन्म मरण संबंधी सूचना देता था। वहां से यह सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेज दी जाती है। इलिटरेसी और केयरलेसनेस के कारण कई बार ये सूचना अपूर्ण होती है। कभी कभी शिशु जन्म के बाद भी कि शिशु जीवित रहेगा या नहीं, इस बात का इंतजार किया जाता है और उसके का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। मृत्यु के बारे में भी कई बार सूचनाएं नहीं दी जाती है। संदेहजनक मृत्यु होने पर इसको रिकॉर्ड नहीं कराया जाता है। नगर के इलाकों में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। नगर वासियों को ये सूचना नगर पालिका को देनी होती है, परंतु नगरवासी इस प्रकार की सूचना नहीं देते हैं। इस कारण से ये सूचनाएं अपर्याप्त होती है। भारतीय जीवन संबंध स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन से संलग्न सांख्यिकी परिशिष्ट स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स टू द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में यह संबंध प्रतिवर्ष प्रकाशित किए जाते हैं और ग्रामीण और नगरीय इलाकों के लिए संबंध अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं। 1948 के जनगणना अधिनियम से के लागू होने के पश्चात जीवन संबंधों के संकलन, पंजीयन और सुधार का कार्य महापंजीयक के कार्यालय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया को सौंप दिया गया। यानी 1969 के अंदर केंद्रीय सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम पारित करके एक केंद्रीय पंजीयन व्यवस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से आंकड़ों का संकलन किया जाता है। फिर भी भारतीय जीवन संबंधों के में कई प्रकार के दोष हैं। एकरूपता का अभाव, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जीवन पंजीयन की रीतियां हैं, इसलिए एकरूपता का अभाव है। ऐच्छिक पंजीयन, 1886 के अधिनियम के अनुसार जीवन संबंधों का पंजीयन ऐच्छिक था, अनिवार्य नहीं था, इसलिए पूरी सूचनाएं नहीं मिल पाती है। अल्प पंजीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग ही जीवन अंकों का पंजीयन करवा रहा है, इसलिए सूचनाएं पूरी नहीं होती है। अपूर्ण सूचना, कुछ क्षेत्रों में कुछ चीजों की सूचना दे दी जाती है, कुछ सूचनाएं नहीं दी जाती है। भारत में हिंदू व मुस्लिम विवाह अधिकतर सांस्कारिक होते हैं, अतः इनका पंजीयन नहीं कराया जाता है। परिशुद्धता का अभाव, अपर्याप्त पंजीकरण, अपूर्ण सूचना, पंजीयन अधिकारियों की रुचिहीनता व लापरवाही के कारण जीवन संबंधों में शुद्धता एवं यथार्थता का अभाव होता है। पंजीयन अधिकारियों के दोष, कई बार पंजीयन अधिकारियों की अशिक्षा, लापरवाही, उदासीनता व कार्य अधिकता के कारण जीवन संबंध अशुद्ध एवं अविश्वसनीय होते हैं। अतः सुझाव के रूप में ये कहा जाता है कि भारतीय जीवन अंकों के सुझाव में सुधार के लिए 1946 में भोर समिति बिठाई गई। भोर समिति के सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1948-49 में जीवन संबंध समिति वाइटल स्टैटिस्टिक्स कमिटी की स्थापना की गई और इसके आधार पर जीवन अंकों का पंजीयन अनिवार्य किया गया और भारतीय जीवन अंक अधिनियम पास करने का सुझाव दिया गया। 1952 में भारतीय महापंजीकार ने जनसंख्या संबंधों के सुधार हेतु एक योजना बनाई, जिसके आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर और मतदाता सूची के साथ साथ नवीनीकरण और अनेक राज्यों में जन्म मरण आदि की सैंपल सेंसस प्रतिदर्श गणना की भी व्यवस्था की गई। प्रतिदर्श गणना के अतिरिक्त अन्य
जननांगीय सर्वेक्षण भी भारत में समय समय पर किए जाते हैं, और जो 1886 में स्थिति थी उससे अब भारतीय जननांगीय संबंधों के अंदर काफी सुधार आ गया है। नवीन अधिनियम मई 1969 में केंद्रीय सरकार ने देश में जीवन अंक पंजीयन की वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जन्म मरण पंजीयन अधिनियम 1969, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 पारित किया। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे, पंजीयन अधिकारी केंद्र में महापंजीकार रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करेगी, प्रत्येक राज्य में एक मुख्य पंजीकार चीफ रजिस्ट्रार राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिला स्तर पर जिला पंजीयक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाएगा, स्थानीय क्षेत्र जैसे नगर ग्राम आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वायत्त संस्था के किसी अधिकारी को पंजीकार नियुक्त किया जाएगा जो कि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु संबंधी सूचना की प्रविष्टि करेगा। सूचना देने का दायित्व इस प्रकार होगा, घर में जन्म एवं मृत्यु की सूचना देने का दायित्व परिवार अध्यक्ष पर, अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र या प्रसूतिका केंद्र में होने वाले जन्म व मृत्यु की घटना की सूचना देने का अधिकार संबंधित चिकित्सा अधिकारी, जेल में होने वाले जन्म मरण का की सूचना देने का अधिकार वहां के अधिकारी, होटल धर्मशाला हॉस्टल बैरक आदि में हुए जन्म मरण के लिए उस संस्था का अध्यक्ष, किसी सार्वजनिक संस्थान पर होने वाले जन्म या मरण के संबंध में गाँव का मुखिया, उस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी, अन्य स्थान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्ति तथा बगीचों या बागानों में होने वाली जन्म मरण की घटना के लिए बागान अधीक्षक उत्तरदायी होगा। जन्म मरण अभिलेख, प्रत्येक क्षेत्र का पंजीकार सरकार द्वारा निर्धारित रजिस्टर में इन घटनाओं की प्रविष्टियां करेगा और उसके संबंध में आवेदक को प्रमाण पत्र भी देगा जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अधीन मान्य होगा। अर्थदंड, यदि अधिनियम में वर्णित कोई व्यक्ति सूचना देने के अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है तो वह अर्थदंड का भागी होगा। धन्यवाद।